नमस्कार, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। किस तरह राजनाथ सिंह को हमने देखा कि बयान देते नजर आए, कहीं ना कहीं झूठ साबित होगा। अब नितिन गडकरी भी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि शायद जनता उन पर यकीन नहीं कर पाएगी, और क्यों करे जब वह साफ दिख रहा है। लेकिन यह झूठ किसके लिए बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है आखिर, जब सारी जनता को पता है, देश भर को पता है और आपके समर्थकों को भी पता है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि NRC से के द्वारा किसी भी जाति समुदाय धर्म विशेष को टारगेट नहीं किया जा रहा है, निशाना नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि यह तो देश की के लिए लाभदायक होगा, बाहर करेगा उन लोगों को जो रिफ्यूजी के शरणार्थी के रूप में यहाँ पर आए हैं और देश पर भार बने हुए हैं, बोझ बने हुए हैं। तो किस तरह, जिस तरह राजनाथ सिंह लगातार झूठ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लगातार झूठ बोलते नजर आ रहे हैं, या किसी धर्म विशेष को ठेस नहीं पहुंचा रहा है, तो यह झूठ सामने आता जा रहा है। और यह झूठ किस किस लिए बोल रहे हैं यह भी समझ में नहीं आ रहा है, जब साफ इस बिल में कह दिया गया है कि केवल अल्पसंख्यकों को छोड़, जो भारत में अल्पसंख्यक समुदाय है यानी कि मुस्लिम समुदाय है, उसको छोड़ करके सबको नागरिकता दी जाएगी और उसी को बाहर भेजा जाएगा, जो कि 6 लाख सामने आए हैं उन्हें ही बाहर भेजा जाएगा, या उनसे मताधिकार छीन लिया जाएगा, वेंटिलेशन सेंटर में उनको रख दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, वहाँ जांच रहेगी, जांच के दायरे में रहेंगे, पूछताछ होती रहेगी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस कार्य में भी 200 करोड़ रुपए खर्च होने बाकी हैं, जो कि सरकार अभी इस वक्त घाटे में चल रही है, GDP गिर गई है, अर्थव्यवस्था गिर गई है, उत्पादन नहीं हो रहा है, रोजगारों में भी कमी है। तो इस दौरान भारतीय जनता पार्टी कैसे इसका खर्चा उठाएगी, वेंटिलेशन सेंटर में जो NRC को लेकर जो खर्चा सामने आने वाला है, कैसे उठाएगी भारतीय जनता पार्टी, और किस तरह से नितिन गडकरी कह सकते हैं, चाहे वह राजनाथ सिंह हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई भी शीर्ष नेता हो, वह कैसे कह सकता है इस बात को कि इस NRC द्वारा किसी भी धर्म विशेष या समुदाय विशेष को निशाना नहीं बनाया जा रहा है, यह साफ प्रतीत हो ही रहा है। और जिस तरह नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर के बवाल मचा हुआ है, पूरे देश भर में हिंसा का माहौल है, प्रदर्शनकारी बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो आप कैसे इस तरह की बातें कर सकते हैं, यह समझ में नहीं आ रहा है। आपको इस पर क्या लगता है, अपनी राय जरूर दें, जनता से की राय यहाँ पर महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।